अस्सलामु अलैकुम। बुक फोर न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। आज हम यूनिट फोर वैरायटी एंटरटेनमेंट की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। अनाउंसमेंट, ऐलान, ऑडियंस, नाज़रीन या सामईन, क्रेसेंट, हलाली, नया चांद, एम्बेरस्ड, शर्मिंदा होना, एक्सप्लोड, फटना, ग्लोर, गुस्से से देखना, इंटरप्ट, मुदाखलत करना, टोकना या बात को काटना, मार्वलस, शानदार, पॉप सॉन्ग, मॉडर्न सॉन्ग जो फास्ट म्यूज़िक पर बने होते हैं, टेरियर, एक किस्म का शिकारी कुत्ता, वैनिश, गायब होना, वैरायटी, इन्वाव एग्ज़ाम या मुख्तलिफ रंग बिरंगी चीज़ें। थ्री वीक्स बिफोर द एंड ऑफ टर्म मिस्टर खान कॉल्ड द क्लास टुगेदर। तीन हफ्ते पहले साल के इख्तिताम पर मिस्टर खान ने जमात को, क्लास को इकट्ठा किया। नाउ क्वाइट डाउन चिल्ड्रन एंड लिसन केयरफुली ही सेड। अब खामोश हो जाओ बच्चों और गौर से सुनो, उन्होंने कहा। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। मुझे एक अहम ऐलान करना है। द चिल्ड्रन ऑफ क्लास फोर क्राउडेड अराउंड देयर टीचर। क्लास फोर यानी जमात जहारम के बच्चे अपने उस्ताद के गिर्द इकट्ठे हो गए। ही इज़ गोइंग टू स्कॉल अस, विस्पर्ड दानियाल। ये हमें डांटने वाले हैं, दानियाल ने सरगोशी की। आई डाउट इट, सेड फिरोज। मुझे इस पर शक है। आई थिंक इट्स गुड न्यूज़ रादर देन बैड, सजेस्टेड माहम। मेरे ख्याल में ये बुरी की बजाय अच्छी खबर है, माहम ने निशानदेही की। हाउ डू यू नो, आस्क्ड अली द शॉर्टेस्ट बॉय इन द क्लास। तुम्हें कैसे पता है, क्लास के सबसे छोटे कद वाले लड़के अली ने पूछा, यानी शॉर्टेस्ट बॉय, पस्त कामत लड़के ने। ही स्माइलिंग सेड माहम। वो मुस्कुरा रहे हैं, माहम ने कहा। इफ इट वॉज बैड न्यूज ही वुडंट बी स्माइलिंग वुड ही। अगर बुरी खबर होती तो मुस्कुरा ना रहे होते, है ना। अहम सेड मिस्टर खान लाउडली एंड glowed at the talkers। अहम मिस्टर खान ने ज़ोर से कहा और बातें करने वाले को गुस्से से घूरा। माहम स्माइल्ड लाइक एन एंजल। माहम फरिश्ते की तरह मुस्कुराई। अली प्रिटेंडेड टू बी थिंकिंग एंड दानियाल बिकेम suddenly interested in something caught in his sleeve। अली ने सोच में डूबे होने का झूठ मूठ दिखावा किया और दानियाल अचानक अपनी आस्तीन में फंसी किसी चीज़ में दिलचस्पी लेने लगा। When the children were quiet, जब बच्चे खामोश हो गए, मिस्टर खान अनाउंस्ड, तो मिस्टर खान ने ऐलान किया। In a couple of weeks, there is to be a variety entertainment in the large hall. जब बच्चे खामोश हो गए तो मिस्टर खान ने ऐलान किया, दो हफ्तों में बड़े हॉल में रंगारंग तफरी मुनक्कद की जाएगी। Great! shouted Ali excitedly. I like entertainments and magic shows and ज़बरदस्त, अली ने पुरजोश हिजान भरे अंदाज में चिल्लाकर कहा। मुझे पसंद हैं तफरीहात और जादुई मुजाहरे। और मिस्टर खान स्टेयर्ड एट हिम विद अ लुक दैट कुड किल, सो ही स्टॉप्ड टॉकिंग। मिस्टर खान ने उस पर ऐसी निगाह डाली जो जान ले सकती थी, लिहाजा उसने बोलना बंद कर दिया।
As I was saying before, I was interrupted, continued Mr. Khan. जैसा कि मैं बात काटने से पहले कह रहा था, मिस्टर खान ने बात जारी की. द हेड मास्टर वॉन्ट्स क्लास 4 टू प्रोवाइड दिस ईयर्स एंटरटेनमेंट. हेड मास्टर साहब चाहते हैं कि क्लास 4 यानी जमात चहारम इस साल की तफरी फ्राहम करे. यू विल ऑल हैव टू थिंक हार्ड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द शो. तुम सबको अच्छी तरह सोचना होगा कि तुम शो के लिए क्या करोगे. द नेक्स्ट डे मिस्टर खान आस्क्ड द चिल्ड्रन व्हाट दे हैड प्लान्ड. अगले रोज मिस्टर खान ने बच्चों से पूछा कि उन्होंने क्या मंसूबा बनाया है. वन बाय वन दे टोल्ड हिम देयर आइडियाज. एक एक करके सब ने उन्हें अपने आइडियाज़ यानी अपने ख्यालात बताए. सादिया वॉज गोइंग टू डांस. सादिया रक्स करने वाली थी. माहम एंड हानिया वर गोइंग टू डू अ माइम. माहम और हानिया नकाली का मुजाहरा करने वाली थी यानी मिमिक्री करने वाली थी. यासिर फिरोज़ एंड अंजुम वर गोइंग टू सिंग अ पॉप सॉन्ग. यासर फिरोज़ और अंजुम एक पॉप गाना गाने वाले थे. दानियाल वॉज गोइंग टू रीड अ पोइम. दानियाल एक नज़म पढ़ने वाला था. मोइन आतिफ एंड सारा वर गोइंग टू परफॉर्म अ शेडो प्ले. मोइन आतिफ और सना परछाइयों का खेल दिखाने वाले थे. दे ऑल हैड आइडियाज़ ऑफ व्हाट दे वांटेड टू डू. उन सब के जहन में ख्यालात थे कि उन्हें क्या करना है. ओनली अली रिमेंड साइलेंट. सिर्फ अली खामोश रहा. एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू अली आस्क्ड मिस्टर खान. और तुम क्या करने वाले हो अली, मिस्टर खान ने पूछा. आई शैल डू सम मैजिक, रिप्लाइड अली. मैं कुछ जादू दिखाऊंगा, अली ने जवाब दिया. आई होप यू नो सम गुड ट्रिक्स, हिज टीचर वॉन्ट. उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें चंद अच्छे करतब आते होंगे, उसके उस्ताद ने खबरदार किया. Don't get up there and make a fool of yourself, boy. वहाँ जाकर अपना मजाक मत बनवाना लड़के. I will think of something, said Ali softly. मैं कुछ ना कुछ सोच लूँगा, अली ने आहिस्तगी से नरमी से कहा. 2 weeks later, the children were busy behind the stage. 2 हफ्ते बाद बच्चे स्टेज के पीछे मसरूफ थे. द लार्ज हॉल वॉज फुल. बड़ा हॉल भरा हुआ था. देयर वर पीपल्स फ्राम द अदर क्लासेस. दूसरी जमातों के तुलबा, मेंबर्स ऑफ स्टाफ, अमले के अरकान, पेरेंट्स एंड गेस्ट इन द ऑडियंस. वालदैन और मेहमान नाजरीन में मौजूद थे. ऑल द सीट्स वर टेकन. सब नशिस्तें संभाली जा चुकी थीं. देयर वॉज अ लाउड murmur of excited voices in the audience and great excitement behind the curtain too. नाज़रीन में हिजान भरी आवाज़ों की बुलंद बिनबनाहट गूंज रही थी और पर्दे के पीछे भी खूब जोश फैला हुआ था. The lights dimmed and the hall was plunged into डार्कनेस. रोशनियाँ मदम हुईं और हाल तारीकी में डूब गया. द कर्टन रोज एंड द शो बिगेन विद सादियास डांस. पर्दा उठा और सादिया के रक्स के साथ शो का आगाज़ हो गया. द शो वेंट वेरी स्मूथली. शो बग़ैर किसी रुकावट के चलता रहा.
The audience clapped and cheered and all the performers did a great job. नाज़रीन ने तालियां बजाईं और नारे लगाए और सब मुजाहरा करने वालों ने मुजाहरीन ने उम्दा काम दिखाया. At last it was Ali's turn. बिलाखर अली की बारी आ गई. Everyone clapped as he walked onto the stage wearing a green robe and a tall pointed hat painted with stars and crescent moons. जब वो एक सब्ज चोगा और एक सितारों और हलाली चांदों से रंगी हुई एक लंबी नोकदार टोपी पहने स्टेज पर आया तो सब ने तालियां बजाईं. He looked like a real magician. वो एक हकीकी जादूगर नज़र आ रहा था. But what was he going to do? मगर वो क्या करने वाला था? Good evening, ladies and gentlemen, said Ali. शाम बखैर ख़वातीनो हज़रात, अली ने कहा. Tonight I am going to perform a vanishing trick. आज रात मैं गायब होने का करतब दिखाने वाला हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ कॉइन डिसअपीयर. मैं किसी सिक्के को गायब नहीं करूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन एग डिसअपीयर. मैं किसी अंडे को गायब नहीं करूँगा. नो नहीं. आई एम गोइंग टू मेक माई डॉग स्मोकी डिसअपीयर. मैं अपने कुत्ते स्मोकी को गायब करने वाला हूँ. Everyone cheered loudly. हर किसी ने ज़ोर ज़ोर से नारे बुलंद किए. Ali took a large sheet from the table at the back of the stage. Ali ने स्टेज के पिछले हिस्से अकबी हिस्से में पड़ी मेज से एक बड़ी सी चादर उठाई. He waved it about to show it was only a sheet. उसने ये दिखाने को इसे लहराया कि ये महज एक चादर है. Has the dog gone up in the smoke already? Shouted someone from the audience. क्या कुत्ता पहले ही धुएं में गायब हो चुका है? नाज़रीन में से किसी एक ने आवाज़ लगाई. Ali smiled. Ali मुस्कुराया. Then he went to the side of the stage and called out, Smokey, Smokey, come here, boy. Ali मुस्कराया. फिर वो स्टेज के एक साइड पर गया, यानी उसके पहलू में गया और आवाज़ दी, Smokey, Smokey, इधर आओ. But no dog appeared. मगर कोई कुत्ता नमूदार ना हुआ. Come here, Smokey, shouted Ali again. The audience laughed. अली फिर चलाया. इधर आओ स्मोकी. नाज़रीन हंस दिए. अली लेफ्ट द स्टेज एंड रीअपीयर्ड कैरिंग अ स्मॉल टेरियर इन हिज आर्म्स. अली स्टेज से निकल गया और एक छोटे से टेरियर कुत्ते को उठाए हुए नमूदार हुआ. दिस इज स्मोकी, अनाउंस्ड अली, एंड ही इज़ नाउ गोइंग टू बी made to disappear. ये स्मोकी है, अली ने ऐलान किया, और अब ये गायब कर दिया जाने वाला है. अली held the dog in his arms with some difficulty. अली ने कुत्ते को किसी कदर दिक्कत के साथ अपने बाजुओं में संभाला. स्मोकी wriggled and turned. स्मोकी मचलता और बल खाता रहा. अली placed the sheet over the dog and held the bundle tightly. अली ने चादर कुत्ते के ऊपर डाली और वो बंडल गठड़ी को मजबूती से थाम लिया. He reached for his wand on the table. उसने मेज पर पड़ी अपनी जादुई छड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया. And as he did so, the dog leapt out from under the sheet. मगर जब वो ऐसा कर रहा था तो कुत्ता
चादर के नीचे से उछलकर भागा। स्मोकी barked at the audience. स्मोकी नाजरीन पर भौंका and then ran and hid under the table at the back of the stage. और फिर भागा और स्टेज के अकबी हिस्से में पड़ी मेज के नीचे जाकर छुप गया। The audience could not see Smokey because he was hidden behind a tablecloth. नाजरीन ने स्मोकी को नहीं देखा, नाजरीन स्मोकी को नहीं देख सकते थे क्योंकि वो जो शीट थी मेज पोश के नीचे छुपा हुआ था। हाउ दे लाफ्ड, उन्होंने क्या ही जोर से कहके लगाए। अली डिड नॉट माइंड, अली ने बुरा नहीं मनाया। ही पुल्ड स्मोकी आउट फ्रॉम अंडर द टेबल, उसने स्मोकी को मेज के नीचे से निकाला। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर प्लेस्ड द शीट ओवर हिम, और एक बार फिर चादर उसके ऊपर रख दी। ही रीच्ड फॉर द वॉन्ड, उसने जादुई छड़ी को की तरफ हाथ बढ़ाया। एंड अगेन स्मोकी जम्प्ड फ्रॉम हिज आर्म्स एंड रैन अंडर द टेबल, और एक बार फिर स्मोकी कूद कर उसके बाजुओं से निकला और मेज के नीचे भाग गया। दिस टाइम द ऑडियंस रोड विद लाफ्टर, इस मर्तबा नाजरीन बहुत जोर से हंसे। सम मैजिक ट्रिक, शाउटेड वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम क्लास सिक्स, क्या शानदार करतब है। क्लास सिक्स यानी जमात शशम के लड़कों में से एक ने आवाज़ लगाई। Why don't you disappear? cried another, and the audience giggled. तुम गायब क्यों नहीं हो जाते, एक और चिल्लाया, और नाजरीन खिलखिलाए। Ali looked worried and a little embarrassed, but was this part of his act? Ali परेशान और थोड़ा सा शर्मिंदा नजर आ रहा था, मगर क्या ये उसके करतब का एक हिस्सा था। As you can see, he said bravely, it's a very difficult trick. जैसा कि आप देख सकते हैं, उसने बहादुर बनकर कहा, ये एक बहुत मुश्किल करतब है। अली crawled under the table with his sheet and came out with a wriggling bundle. अली हाथों पैरों के बल चलता हुआ मेज के नीचे अपनी चादर समेत घुस गया। He held on to it more tightly this time, और उसने and came out with a wriggling bundle, और वो जो बल खाती हुई मचलती हुई गठड़ी थी उसके साथ बाहर आया। He held on to it more tightly this time, इस मर्तबा उसने उसे ज़्यादा मजबूती से थामे रखा। And managed to take the wand in his left hand and wave it around the sheet, और अपने दाएं हाथ से जादुई छड़ी को उठाने और उसे चादर के गिर्द घुमाने में कामयाब हो गया। एब्रा काडाब्रा, होकस पोकस, रिटा माथा, पोटाटा मटाटा, टूडल ऊ, ही शाउटेड एंड देन फ्लंग द शीट अप इन द एयर। ये वो अल्फाज कहता हुआ जो उसके कोई मंत्र थे जादू के, वो बोलता हुआ चलाया और चादर को ज़ोर से हवा में उछाल दिया। द ऑडियंस गैस्प्ड इन सरप्राइज, हैरत से नाजरीन की सांस रुक सी गई। द शीट फ्लोटेड जेंटली डाउन टू द स्टेज, बट देर वॉज नो डॉग टू बी सीन एनीवेयर। चादर तैरती हुई नरमी से आहिस्तगी से स्टेज पर आ गिरी, मगर कहीं कोई कुत्ता नज़र नहीं आ रहा था। अमेजिंग, वेल डन, क्राइड द ऑडियंस एंड
applauded loudly as the curtain came down. हिरान कुन बहुत खूब नाजरीन चिल्लाए और पर्दे के नीचे आते हुए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं. When the bell rang the next day and the children went into their classroom, अगले रोज़ जब घंटी बजी और बच्चे अपने क्लासरूम में गए तो मिस्टर खान कॉन्ग्रेचुलेटेड देम ऑन अ मार्वलस शो. तो मिस्टर खान ने उन्हें एक शानदार शो पेश करने पर मुबारकबाद दी. अली सेड मिस्टर खान योर ट्रिक वॉज जस्ट ग्रेट बट टेल अस हाउ यू डिड इट. अली मिस्टर खान ने कहा तुम्हारा करतब ज़बरदस्त था मगर हमें बताओ कि तुमने ये कैसे किया. इट वॉज मैजिक सेड अली विद अ शाई स्माइल. ये जादू था अली ने एक शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ कहा. No, tell us, Ali, tell us, cried the others. नहीं नहीं हमें बताओ अली हमें बताओ दूसरे भी चलाए. Well, what happened was this, explained Ali. अली ने वजाहत की जो हुआ वो ये था. Before the curtain went up, पर्दा उठने से पहले I put some of Smokey's favorite biscuits under the table. मैंने स्मोकी के चंद पसंदीदा बिस्किट मेज़ के नीचे रख दिए थे. आई शोड स्मोकी वेयर दे वर. मैंने स्मोकी को दिखा दिया था कि वो कहाँ हैं. व्हेन आई कैरिड हिम ऑन टू द स्टेज आई डिड नॉट होल्ड ऑन टू हिम टू टाइटली. जब मैं उसे उठाकर स्टेज पर लाया तो मैंने उसे मजबूती से नहीं पकड़ा. आई अलाउड हिम टू जम्प आउट ऑफ माई आर्म्स ट्वाइस एंड रन अंडर द टेबल. मैंने उसे दो मरतबा अपने बाजुओं से निकल भागने और मेज़ के नीचे जाने दिया. वेन आई वेंट टू गेट स्मोकी फॉर द थर्ड टाइम. जब मैं तीसरी मरतबा स्मोकी को लेने के लिए गया आई ओनली प्रिटेंडेड टू पुट हिम अंडर द क्लोथ. तो मैंने उसे झूठ मूठ जाहिर किया कि वो कपड़े के नीचे है. ही वॉज स्टिल अंडर द टेबल मंचिंग बिस्किट्स. वो उस वक़्त भी मेज़ के नीचे बैठा बिस्किट खा रहा था. दिस टाइम अली रिसीव्ड अ लाउड cheer from his classmates. He looked so pleased. इस मर्तबा अली को अपने हम जमातों की तरफ से एक बुलंद नारा मिला. वो बेहद खुश नज़र आया. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. अल्लाह हाफिज़.